Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. आज हम हमारी ये जो इंग्लिश की मैरीगोल्ड है टेक्स्ट बुक, उसमें हम हमारा यूनिट नंबर 3 अ स्माइल करने वाले हैं. ओके, अ स्माइल मेक्स एवरीवन हैप्पी. एंजॉय दिस पोएम. स्माइल है वो सबको हैप्पी बनाता है. एंड हमें ये पोएम अब एंजॉय यानी कि रीड करके उसको एक्सप्लेन करनी है. मैं आपको ये सब एक्सप्लेन करूँगी. स्माइल ऑलवेज आप देख सकते हो कि आप हैप्पी फेस देखो तो आप भी हैप्पी हो जाते हो. हम अगर हमारे सामने किसी भी व्यक्ति को यानी कि किसी भी पर्सन को हैप्पी देखे तो हम भी हैप्पी हो जाते हैं. बट किसी को सैड देखे ऐसे चुप चुप बैठे हुए तो हम उसके हम भी सैड हो जाते हैं, हमारा मूड भी ऑफ हो जाता है. बट अगर हमारा मूड नहीं हो तभी भी हम किसी स्माइल करते हुए हैप्पी पर्सन को देखे तब हमारा मूड है वो अच्छा हो जाता है एंड हम भी स्माइल करने लगते हैं. ओके, तो चलो देखते हैं. अ स्माइल इज QUITE क्वाइट अ FUNNY फनी THING थिंग. स्माइल है वो कुछ हैप्पी थिंग है, कुछ हैप्पी करता है, फनी है. इट WRINKLES व्रिंकल्स अप योर फेस. स्माइल करते हुए आप कुछ फनी लगते हो. कैसे? तो क्या आपके फेस के ऊपर व्रिंकल आ जाती है. रिंकल यानी कि वो करचली जिसको हम गुजराती में बोलते हैं. देखो यहाँ पे स्माइल से ये रिंकल्स हो गई है. एंड व्हेन इट्स गॉन यू विल नेवर फाइंड इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस. जब वो चली जाती है तब आप उसको फाइंड नहीं कर सकते कि वो कहाँ चली गई. उसका जो हाइडिंग प्लेस छुपने की जगह है वो सीक्रेट है, वो किसी को नहीं पता है. बट फार मोर वंडरफुल इट इज टू सी वॉट स्माइल्स कैन डू. बट फार मोर वंडरफुल इज Wonderful it is to see what smiles can do. But उससे wonderful यानी कि अच्छा ये है कि smile से वो क्या कर सकती है. You smile at one, he smiles at you. आप कभी भी किसी के सामने एक बार smile करोगे तो पक्का वो सामने वाला भी आपके सामने smile करेगा ही. एंड सो ऑन स्माइल मैक्स टू. एंड जो स्माइल है वो सॉरी आपके साथ आपको फ्रेंड आपके फ्रेंड्स बनाते हैं. एक स्माइल से आपके फ्रेंड्स बनाते हैं. ओके, रिपीट कर लेते हैं. अ स्माइल इज क्वाइट अ फनी थिंग. इट व्रिंकल्स अप योर फेस. एंड व्हेन इट्स गॉन You will never find its secret hiding place. But for more, wonderful it is to see what smiles can do. You smile at one, he smiles at you, and so one smile makes two. आप किसी के सामने हंसते हो, स्माइल करते हो तो आप एक थे उनमें से. आपने किसी के सामने स्माइल की, उसने आपके सामने स्माइल की, तो आप लोग दो हो गए, फ्रेंड्स हो गए. ऐसा कहना चाहते हैं कि स्माइल है वो थोड़ा फनी थिंग है कि आप जब स्माइल करते हो तो आपके फेस पर रिंकल्स आ जाती है, रिंकल्स क्रिएट हो जाती है. एंड व्हेन इट्स गॉन यू विल नेवर फाइंड इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस. जब वो चली जाती है तो हम उसकी जो सीक्रेट छिपने की जो जगह है उसको हम फाइंड नहीं कर सकते हैं. किसी को भी नहीं पता है कि जब हमारी स्माइल चली जाती है
तो वो कहाँ जाती है? बट फार मोर वंडरफुल इट इज़ टू सी वॉट स्माइल्स कैन डू। बट उससे भी ज़्यादा वंडरफुल वो ये है कि स्माइल्स क्या कर सकती है, कि जब आप किसी के सामने स्माइल करते हो तो वो भी आपके सामने स्माइल करते हैं, तो स्माइल से आप अपना जो रिलेशन है वो डेवलप कर सकते हैं, किसी के साथ फ्रेंड्स बना सकते हैं, और फिर जो आपसे गुस्सा है, जो आपसे नाराज़ है, उसके सामने भी आप एक बार स्माइल कर दो तो वो भी आपसे हैप्पी हो जाएगा। ओके, एक स्माइल है वो बहुत कुछ कर सकता है। कोई अननोन पर्सन हो जिससे आपको बात शुरू करनी हो तो आप एक बार स्माइल से शुरू करनी है तो वो भी सामने वाला स्माइल देगा, तो आपका जो रिलेशन है वो डेवलप होगा। ओके, वहाँ से एक कुछ भी शुरुआत करने से पहले हम पहले स्माइल करते हैं, फिर ही हम अपनी बातचीत है वगैरह कुछ शुरू करते हैं। ओके, तो ये आया समझ में? स्माइल का इम्पोर्टेंट सबकी लाइफ में बहुत है। ये पोएम सिखाता है कि हमें ऑलवेज हैप्पी रहना चाहिए, सबके सामने स्माइल करना चाहिए। सैड फेसेस किसी को पसंद नहीं होता, बट हैप्पी फेसेस है वही सबको पसंद होते हैं। लेट्स रीड माई GRANDMOTHER मदर हैज़ मैनी रिंकल्स ऑन हर फेस। देखो आप रिंकल्स देख सकते हो, जो ओल्ड पीपल होते हैं ना उसके फेसिस पर बहुत सारे रिंकल्स होते हैं। शेल आई टेल यू अ सीक्रेट, क्या मैं आपको मेरा सीक्रेट शेयर कर सकती हूँ? रीडिंग इज फन, वॉट इज अ स्माइल अ फनी थिंग? रिंकल्स फनी थिंग क्या है स्माइल की, कि फेसेस के ऊपर ये रिंकल्स क्रिएट करता है। वॉट हैपन्स वेन यू स्माइल एट वंस? ही स्माइल्स एट यू एंड मैक्स टू। वो आपके सामने स्माइल करता है एंड आप एक में से दो, यानी कि आपका रिलेशन है वो डेवलप होता है, तो आपका जो रिलेशन है वो डेवलप होता है। ओके, आ गया समझ में? वेरी गुड। अब हमें ये रीड करना है, से अलाउड TRUNK ट्रंक, SUNK संक सा अंक, JUNK झंक, SINK सिंक, THINK थिंक, PINK पिंक, WRINKLE व्रिंकल, WRIGGLE व्रिगल, WRITE राइट, WORRY वरी, WORK वर्क, WONDERFUL वंडरफुल। वेन वी रीड W इन द कॉलम 3 इट हैज नो साउंड, रिंकल रिगल एंड राइट। यहाँ पर वरी वर्क एंड वंडरफुल, यहाँ पर W का साउंड होता है, यहाँ पर W का साउंड नहीं होता है। लुक एट द वर्ड टॉक, हियर L इज साइलेंट, नाउ से द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड। यहाँ पर आप वॉक में देखिए, वॉल्क नहीं बोलते हम, वॉक बोलते हैं,
तो ये एल है वो साइलेंट है। ओके तो अब हम आगे देखते हैं ये वर्ड्स में कि कौन सा वर्ड है वो, सॉरी लेटर है वो साइलेंट है। W A L K, वॉक, वॉल्क नहीं बोलते, तो यहाँ पर ये L है वो साइलेंट है। M O R E, मोर, मोर ए नहीं बोलते, मोर बोलते हैं, तो ये E है वो साइलेंट है। W R A P, रैप, रैप बोलते हैं, रैप नहीं बोलते, तो W है वो साइलेंट है। J O K E, जोक, तो E है वो साइलेंट है। ओके आ गया सभी को समझ में, वेरी गुड। ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स हैव एन आई साउंड दैट राइमिंग्स विथ माई, कैन यू फील इन द लेटर्स एंड द, देन से द वर्ड अलाउड, एस एम फिर आई एल ई स्माइल, के आई टी ई काइट, M I C E mice, L I O N, सभी ब्लैंक में हमें I लिखना है। लाइन, स्माइल, काइट, माइस एंड लाइन। रिडल टाइम, विच इज द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड। देखो यहाँ पर S M I L E S, स्माइल्स लिखा है हमने, तो दोनों एस निकाल दे हम तो एम आई एल ई माइल हो जाता है। माइल यानी कि जो हम चलते हैं और जो रास्ता काटते हैं ना उसको हम किस में मापते हैं, माइल्स में। ओके तो ये माइल्स हो गया। अब हम यूनिट 3, ये जो स्माइल अस्माइल वाली जो पोएम की हमने, उसके हार्ड वर्ड्स हम देखते हैं। एस एम आई एल ई स्माइल, क्यू यू आई टी ई क्वाइट, एफ यू डबल एन वाई फनी, टी एच आई एन जी थिंग, डब्ल्यू आर आई एन के एल ई व्रिंकल, एफ ए C E face, G O N E gone, N E V E R never, F I N D find, S E C R E T secret, H I D I N G hiding, P L A C E place, F A R far, W O N D E R F U L wonderful, and M A K E make. Okay, तो ये हुए हमारे स्माइल के हार्ड वर्ड। अब हम नेक्स्ट रिविजन में अभी फर्स्ट यूनिट के MCQs लिखेंगे। ओके तो ये सब मैं आपको फोटोज क्लिक करके PDF में भेज दूंगी। आज हम इतना ही रखते हैं। ओके थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय।